तारीख 8 जुलाई साल था 2000, दिन था गुरुवार। दोपहर के करीब 3 बजे तिकुनिया लखीमपुर खीरी जिले के प्रतिष्ठित घी तेल के थोक व्यापारी संतोष गुप्ता का बड़ा बेटा प्रभात गुप्ता घर से रेलवे स्टेशन के सामने स्थित दुकान के लिए निकला था। स्टेशन के पास व्यापारियों के विरुद्ध प्रदर्शन में उसे शामिल होना था। संतोष के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 400 मीटर है। प्रभात घर से कुछ ही आगे बड़ा होगा कि 4 लोगों ने रोक लिया। कहा सुनी के बाद उन लोगों ने फायरिंग कर दी। एक गोली कनपट्टी पर तो दूसरी गोली उसके सीने में जा लगी, जिसके बाद प्रभात घायल होकर मौके पर ही गिर गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर जुटे लोगों ने खून से लथपथ प्रभात को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भरी दोपहर सरेआम हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। तिकोनिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभात उर्फ राजू की हत्या में पिता संतोष गुप्ता ने स्थानीय भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष अजय मिश्रा उर्फ टैनी, जो वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, और उनके 3 साथियों शशिभूषण, राकेश डाला और सुभाष मामा के खिलाफ केस दर्ज कराया। संतोष गुप्ता ने आरोप लगाया कि बेटे प्रभात गुप्ता को पहली गोली अजय मिश्रा उर्फ टैनी ने कनपट्टी पर मारी, जबकि दूसरी सुभाष मामा ने उसके सीने में। तो चलिए बताता हूँ कौन था प्रभात और क्या थी रंजिश। तिकोनिया निवासी प्रभात गुप्ता लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र नेता होने के साथ ही समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश सचिव भी था। घटना से कुछ दिन पहले उसने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन किया था। भाजपा नेता अजय मिश्रा उर्फ टैनी की भाभी उस समय जिला पंचायत सदस्य थी। इस मामले में पत्रकारों की माने तो प्रभात ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी धमक बना रखी थी। समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद से तिकोनिया की राजनीति में सक्रिय हो गया। अजय मिश्रा नहीं चाहता था उसके भाभी के खिलाफ प्रभात चुनाव लड़े। प्रभात के भाई राजीव गुप्ता का कहना है इसी वजह से अजय मिश्रा ने नाम वापस के लिए दबाव बनाया, लेकिन प्रभात तैयार नहीं था। हालांकि चुनाव टल गए थे और बाद में सीट आरक्षित घोषित कर दी गई। बकौर राजीव पंचायत चुनाव की यही रंजिश प्रभात की हत्या की वजह बन गई। वहीं मामले में आईजी जोन की विशेष टीम ने हत्याकांड की विवेचना में 4 आरोपियों को दोषी पाया और उनके खिलाफ 13 दिसंबर 2000 को लखीमपुर की जिला अदालत में आरोपी पत्र दाखिल कर दिए। हालांकि इससे पहले ही अजय मिश्रा सहित अन्य आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश ले रखा था, जिसे आरोपी पत्र दाखिल होने की जानकारी मिलने के बाद 5 जनवरी 2001 को हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया। पत्रकारों का मानना यह भी है अजय मिश्रा की पीठ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गिरफ्तारी पर स्टे खारिज होने के बाद भी लखीमपुर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। कोर्ट तक मामला पहुंचा तो प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता संतोष गुप्ता की मृत्यु के बाद मामले की पैरवी करने हाईकोर्ट पहुंच गए, आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अपील की। अपील पर सुनवाई के दौरान 10 मई 2001 को कोर्ट ने पुलिस को अजय मिश्रा सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। इसके बाद भी पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हाईकोर्ट के आदेश के करीब 1.5 महीने बाद 25 मई 2001 को अजय मिश्रा ने एडीजी के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर अजय मिश्रा को अदालत से जेल न भेजने पर अस्पताल भेजा गया। इतना ही नहीं, अगले दिन यानी 26 मई को अदालत से अजय मिश्रा उर्फ टैनी को जमानत मिल गई। करीब 3 साल तक लोअर कोर्ट में प्रभात गुप्ता हत्याकांड को लेकर सुनवाई चली। दोनों ओर से गवाहों के बयानों के बाद 29 अप्रैल 2009 को लोअर कोर्ट ने अजय मिश्रा उर्फ टैनी सहित 4 आरोपियों को प्रभात गुप्ता हत्याकांड से बरी कर दिया। राज्यपाल के हस्तक्षेप पर राज्य सरकार लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1 दशक से ऊपर हाईकोर्ट में चली सुनवाई और बहस के बाद इस मामले में 3 बार फैसला सुरक्षित किया गया। पहली बार 12 मई 2018 को फैसला सुरक्षित किया गया था, दूसरी बार 10 नवंबर को और तीसरी बार 21 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित किया। आखिरकार 19 मई 2023 को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला सुनाया और लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अजय मिश्रा उर्फ टैनी, शशिभूषण, राकेश डालू और सुभाष मामा को बेगुनाह करार दिया। हालांकि प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, जिस पर 4 दिसंबर 2023 को सुनवाई होनी है। लेकिन सुनवाई के दौरान अब आगे क्या होता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं हिमांशु गर्ग और देखते रहिए जनहित टाइम्स।